रहे हैं जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है। हम पिछले 20 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। इंडिया ने जो है वो ओलंपिक गेम्स पे नजर डाल के बैठ गया कि हमें वो होस्ट करने हैं। यानी इंडिया ने ये फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाए जाए। उनके पास पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस कदर वसाइल हैं कि वो विद इन 6 मंथ वो एक ओलंपिक विलेज या ओलंपिक सिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, इसके लिए आपके कंट्री में ऐसे हालात होना भी बहुत जरूरी है कि जिसमें आपकी कोई दहशतगर्दी का खतरा ना हो, जहां पर आसानी से पूरी दुनिया के लोग आ सकें। हमारी प्रायोरिटीज मिसाइल है, हमारी प्रायोरिटीज जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार है, ये बहुत अनस्टॉपेबल है और अगर इसको सुखोई पे लगाया जाए ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि जिसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपका क्या ख्याल है कि आप एक दो टारगेट करके तालिबान के कुछ TTP के कुछ लोगों को मारकर आप हालात बेहतर कर लेंगे, उससे हालात और मजीद खराब होंगे? तो हम तो अपने क्रिकेट मैच नहीं करवा पाते, तो वो कबड्डी का मैच करा लें। हम छोड़िए, हमें ये इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ओलंपिक्स क्या चीज है हमारे लोग? इतना पैसा खर्च होता है, क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची की? करने की जरूरत नहीं, ऐसे हम इतना पैसा उड़ाएं, कबड्डी के मैच करवाएं आप? इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जी और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में जिसको दुनिया के किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई खतरा नहीं है। दुनिया को और खासतौर पर वेस्टर्न दुनिया को, भारत को, इसराइल को ये एक आंख नहीं भाता कि पाकिस्तान एक मुसलमान दुनिया एक न्यूक्लियर वेपन। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल जीरो है। हम सुई तक चाइना से लेते हैं, सुई तक हम चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एक सुपर पावर है जिसको अभी तक कोई भी बिल्ड नहीं कर पाया, लेकिन उस दौर में इंडिया लगा हुआ है। इंडिया स्टील किंग के जो है मार्केट में वो नंबर 2 पर आ गया चाइना के बाद, और न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 2023 में एक रिपोर्ट आई है, उसका कहना है कि 2023 में 2200 बिलियन की जो है वही मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करेगा स्टील में। क्या रीजन है सब कॉन्टिनेंट से अलग होने के बाद हम लोगों ने अपने आप पर तवज्जो नहीं? पाकिस्तान प्लेट में मिला वैसे जाया कर रहे, क्यों? देखिए मैडम, मेरे ख्याल में ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं और हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत पीछे रह गए। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, वो ये है कि जो पाकिस्तान क्योंकि एक शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, उसकी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली आपने इंडिया का कंपैरिजन का वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और हम जो एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे और हमारी ट्रांजिशन सिक्योरिटी स्टेट से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुई नहीं। उसमें फिर मार्शल आ गए, फिर हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल निजाम है वो ब्रेक डाउन हो गया। सर हुई नहीं, हमने करनी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें बहुत सारे वजूहत है कि कुछ हमारी हिस्ट्री में भी पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेरा ये पर्सनल व्यू है क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिबे इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर बात ये कि फिर 47 से आगे चले तो फिर माशाल्लाह आ गए, हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज इतने ज्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से ही पॉलिसी रही है जी और जीने दो, को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है और को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट की भी, को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी पूरी दुनिया की पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक नहीं जीने का, किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का आके, मुसलमानों में भी है फिरके का आके। तो हम ये सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की के साइड में गए ही नहीं और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा पीछे रह गया, साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात ये है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपेरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में भी गंदुम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं,
चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, आलू हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो हम वजह यही है, हमारी जो पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज जो है हमारी, वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस है। हमारा पाकिस्तान को हम ये दुनिया, हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है, जब तालिबे इल्मों को और पाकिस्तानियों को हम ये